हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अमन परमार फ्रॉम वी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट आया है कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैवल बैन को लेकर। ट्रैवल बैन को कितना एक्सटेंड कर दिया गया है, कौन से एप्लीकेंट अभी ट्रैवल कर पाएंगे, कितने दिन के लिए आपको होटल में स्टे करना पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम ऑल कंट्रीज़ की बात करें तो 2 मंथ का जो टाइम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे लास्ट अपडेट था 21 फरवरी तक जो ट्रैवल बैन था, अभी उसको 2 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए अकेला एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए 1 मंथ का जो टाइम है उसको एक्सटेंड किया गया है। अगर आप यूएसए से ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको 1 मंथ के बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें कौन से एप्लीकेंट हैं जो अभी ट्रैवल कर पाएंगे। सेम जो लिस्ट है जो लास्ट अपडेट में था, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, पीआर है जिनके पास, जो कनेडियन सिटीज़न है या फॉरेनर वर्कर्स हैं, वो सभी अभी भी ट्रैवल कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम विजिटर वीज़ा की बात करें, वही विजिटर वीज़ा जिनके पास विजिटर वीज़ा है और उनके पास कोई जेन्युइन रीज़न है या एमरजेंसी है, तो वो स्पेशल ऑथोराइजेशन लेकर जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपको कितने दिन के लिए होटल में स्टे करना पड़ेगा, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको अपडेट दिया था कि 3 दिन के लिए आपको होटल में स्टे करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2000 कनेडियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, अदरवाइज पॉजिटिव आता है तो आपको गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ है वो लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 14 डे का क्वारंटाइन मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा के लिए या विजिटर वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो ये राइट टाइम नहीं है, आप वेट करिए 2 मंथ के लिए और वेट करिए, उसके बाद ही आप अपना टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। एक अपडेट मैं और देना चाहता हूँ, आज यानी कि 17 फरवरी को कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो होटल हैं, जो कोविड रेडनेस प्लान में जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल हैं, उन सभी का लिस्ट आज इशू किया जाएगा, जिसमें आप लोग जाकर स्टे कर सकते हो। क्योंकि अभी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 4 एयरपोर्ट हैं जो ओपन हैं, बाकी सभी एयरपोर्ट बंद हैं। आप कहीं भी जाना चाहते हो तो आप इन्हीं 4 एयरपोर्ट में से कोई एयरपोर्ट चूज़ कर सकते हो और उन्हीं एयरपोर्ट्स के आसपास वो होटल्स होंगे। उनका लिस्ट हमारे पास आज जो कनेडियन गवर्नमेंट जो डिस्क्लोज़ करेगी, जैसे ही वो लिस्ट आता है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो नया अपडेट आया है ट्रैवल बैन को लेकर, कितना ट्रैवल बैन एक्सटेंड किया गया है, होटल का लिस्ट आज डिस्क्लोज़ हो जाएगा और कितना कौन कौन से ट्रैवल एप्लीकेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं, उन सभी को कवर करने की। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे लेना चाहते हो, जहाँ आप अपना फाइल प्रोसेस करना चाहते हो न्यू फाइल, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पे हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। थैंक यू सो मच।